आने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश और तेज कर दी है और इसी को लेकर पार्टी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला संगम नाम से एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा राजनीतिक संकल्प है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने महिलाओं से आने वाले चुनाव में पार्टी को सत्ता में वापस लाने के बाद ही दम लेने का संकल्प कराया। महिला संगम समारोह के माध्यम से बीजेपी ने समाज के एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने महिलाओं से केंद्र की यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मेरा विश्वास है कि इस समय भी इस देश में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार जो विगत 9 वर्षों से काम कर रही है, अब इस सरकार को भी जाने से अब दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। आज आप सबके उमंग और उत्साह को देखने के बाद मेरा यह विश्वास पक्का होगा। कुछ ही दिन पहले इसी तालकटोरा स्टेडियम में राजनाथ सिंह ने बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्यों को यूपीए सरकार को सत्ता से हटाने की मांग की और जोर शोर से इस अभियान में लग जाने को कहा। इस तरह से पार्टी हर वोट बैंक के लिए अलग से कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सुषमा स्वराज ने समय से पहले चुनाव होने की आशंका जताई। यहाँ बार बार मिशन 2014 की बात हो रही है। एक तो मैं कह दूं सरोज जी, ये मिशन 2014 मिशन 2013 भी बन सकता है। जिस हालात में आज देश है और जिस तरफ बढ़ रहा है, ये सरकार पूरा समय पार कर सकेगी इसमें संदेह है। अरुण जेटली ने भी पार्टी नेताओं को चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहने की हिदायत दी। इस देश की जनता तैयार है, हमें उसमें केवल अपने आप को नेतृत्व देने की दृष्टि से तैयार करना है। हमें अपने आप को तैयार करना है कि कांग्रेस की इस सरकार के से इस देश को मुक्त करवाना है। कुल मिलाकर इस सम्मेलन में मिशन 2014 की तैयारी की झलक साफ दिखी। मिशन 2014 की तैयारी में भाजपा ने अब कमर कस ली है। पहले युवाओं पर और अब पार्टी की नजर महिलाओं पर है। भाजपा के इस महिला कार्यकर्ता सम्मेलन से ही अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने न सिर्फ शहरी बल्कि गांवों की महिलाओं को भी आगे आकर भाजपा के लिए अलग जगाने का नारा दिया। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ अनामिका रत्ना।